कथे आत्मचिंतन के क्षण मन और मुंह को एक करके भावों को जीवन में कार्यान्वित करना होगा। इसको श्री रामकृष्ण कहा करते थे, भाव के घर में किसी प्रकार की चोरी न होने पाए। सब विषयों में व्यवहारिक बनना होगा। लोगों या समाज को बातों पर ध्यान न देकर वे एकाग्र मन से अपना कार्य करते रहेंगे। क्या तुमने नहीं सुना कबीरदास के दोहे में है, हाथी चले बाजार में, कुत्ता भौंके हजार साधुन को दुर्भाव नहीं। जो निंदे संसार ऐसे ही चलना है। दुनिया के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना होगा। उनकी भली बुरी बातों को सुनने से जीवन भर कोई किसी प्रकार का महत्व कार्य नहीं कर सकता। संन्यास का अर्थ है मृत्यु के प्रति प्रेम। संसारिक लोग जीवन से प्रेम करते हैं, परंतु सन्यासी के लिए प्रेम करने को मृत्यु है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करने वालों को तो कभी मृत्यु प्यारी नहीं होती है। सन्यासी को धर्म है समस्त संसार के हित के लिए निरंतर आत्मत्याग करते हुए धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाना। बड़े बड़े दिग्गज बह जाएंगे, छोटे मोटे की तो बात ही क्या है। तुम लोग कमर कसकर कार्य में जुट जाओ। हुकार मात्र से हम दुनिया को पलट देंगे। अभी तो केवल मात्र प्रारंभ ही हुए। किसी के साथ विवाद न कर हिल मिल कर अग्रस्त हो। यह दुनिया भयानक है, किसी पर विश्वास नहीं है। डरने का कोई कारण नहीं है, माँ मेरे साथ है। इस बार ऐसे कार्य होंगे कि तुम चकित हो जाओगे। भय किसी बात का, किसका भय। वज्र जैसे हृदय बनाकर कार्य में जुट जाओ। वीरता से आगे बढ़ो। एक दिन या एक साल में सिद्ध की आशा न रखो। उच्चतम आदर्श पर डढ़ रहो, स्थित रहो। स्वार्थपरता और ईर्ष्या से बचो। आज्ञा पालन करो। सत्य मनुष्य जाति और अपने देश के पक्ष पर सदा के लिए अटल रहो। और तुम संसार को हिला देंगे। याद रखो, व्यक्ति और उसका जीवन ही शक्ति का स्रोत है। इसके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं। पंडित